तो दोस्तों आपके सामने खड़ी है 2024 मॉडल होंडा साइन 125 ब्लैक कलर है। तो गाइस इसी बाइक के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं। 2024 मॉडल होंडा साइन 125 ब्लैक कलर में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस है, कितनी इस बाइक की ऑनरोड प्राइस होने वाली है। तो दोस्तों अगर आप इस बाइक को लेने की प्लान कर रहे हैं या लेने वाले हैं तो इस वीडियो साथ लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट तक इस बाइक जुड़ी हर एक डिटेल्स हम आपसे शेयर करने वाले हैं। सो गाइस अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस कर सकें। तो चलिए गाइस मेरा टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस बाइक का जो ऑनरोड प्राइस पड़ेगा आपको वाराणसी में लगभग आपको 97,000 से 99,000 के बीच में यह बाइक कंप्लीट आपको मिल जाएगी। और भी प्राइस रिलेटेड जानकारी के लिए आप होंडा शोरूम में कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फीचर और स्पेसिफिकेशंस की बात। तो सबसे पहले बात करेंगे इस बाइक के फ्रंट प्रोफाइल की। तो गाइस यहाँ पे आप चेकआउट कर लीजिए इस बाइक का जो फ्रंट लुक है कुछ ऐसा निकल के आती है, सिंपल कम्यूटर इसका लुक निकल के आती है। तो यहाँ पर देखें जो वाइजर आपको जो मिले ब्लैक कलर में दिया गया है, होंडा के यहाँ आपको यहाँ पे बैजिंग मिलती है जो कि स्टिकर में दिया गया है। यहाँ पे आपको क्रोम स्टिक देखने में मिलती है जो इसके लुक को काफ़ी बढ़ा देती है, काफ़ी बढ़िया लगती है देखने में। यहाँ पे आपको जो हेडलाइट का सेटअप मिल रहा है हेलोजन सेटअप साथ आपको यहाँ पे हेडलाइट की सेटअप मिल जाती है। और दोनों साइड में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर इससे ग्राफिक्स मिल जाती है जो वाइट ब्लैक और रेड कलर का जो कॉम्बिनेशन दिया गया है जिसकी वजह से बाइक काफ़ी अच्छी लग रही है इस कर्म में। होंडा साइन 125 इस कर्म में आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और अब बात करें इस बाइक के सस्पेंशन के बारे में, तो गाइस इसमें आपको जो सस्पेंशन लगी मिलती है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको इस बाइक में मिल जाती है। और फेंडर आपको जो मिले ब्लैक कलर में आपको यहाँ पर फेंडर मिल जाती है। सो गाइस अब बात करें इस बाइक की ब्रेकिंग के बारे में, जैसा कि यह बाइक सिंगल डिस्क साथ अवेलेबल है तो फ्रंट में आपको जो डिस्क ब्रेक लगी मिलती है 240 mm की आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेक मिल जाती है। और व्हील साइज जो आपको मिलती है 18 इंचेस का व्हील साइज दिया गया है। 18/180 cc के आपको यहाँ पर ट्यूबलेस टायरिंग मिलती है जो कि 11 का टायर दिया गया है। व्हील का कलर कुछ इस तरह का आपको मिल जाती है ब्लैक कलर में यहाँ पर दिया हुआ है। और सस्पेंशन दो साइड में आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिल जाती है। सो गाइस यहाँ पर आप चेकआउट कर लीजिए इस बाइक का जो राइट साइड प्रोफाइल है कुछ निकल करती है, तो बाइक काफ़ी अच्छी लगती है इस क्रम में। तो इसके फ्यूल टैंक की तरफ है, तो गाइस यहाँ पर आप देखें तो इसमें आपको जो फ्यूल टैंक लगी मिलती है इस तरह से आपको फ्यूल टैंक मिल जाती है। यहाँ पे आपको जो ग्राफिक्स मिली है जो काफ़ी बढ़िया लगी देखने में, जो ब्लैक कलर पर काफ़ी निखर के आती है। यहाँ पर आपको व्हाइट ब्लैक और रेड कलर का कम्बिनेशन दिया गया है जो काफ़ी अच्छी लगी देखने में। यहाँ पर आपको टेक्सचर बनी मिलती है और होंडा की जो बैजिंग मिलती है यहाँ पर 3D में दिया गया है। 125 cc काफ़ी रिफाइनमेंट आपको यहाँ पर इंजन मिल जाती है। और यहाँ पर किक भी मिले हैं, यहाँ पर आपको क्रोम एलिमेंट दिया गया है, 125 की ब्रांडिंग मिलती है। ये जो ग्राफिक मिलती है रियर साइड तक कंटिन्यू होती है जो काफ़ी बढ़िया लगती है देखने में। यहाँ पर ESP की आपको ब्रांडिंग मिलती है जो होंडा की टेक्नोलॉजी है। ESP इनहांस स्मार्ट पावर इसमें आपको लगी मिलती है जिससे बाइक काफ़ी साइलेंटली स्टार्ट होती है। और फुट पैस सर्वर वाले मिलते हैं, यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट मफलर जो मिला है यहाँ पर क्रोम फिनिशिंग के साथ आपको मिल जाती है। और रियर साइड में आपको यहाँ पर साइन की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है जिससे ग्राफिक्स दिया गया है। अब बात करेंगे इस बाइक के रियर सस्पेंशन और ब्रेकिंग के बारे में, तो गाइस रियर में आपको जो सस्पेंशन इस बाइक मिली है ट्विन शॉक ड्राइवर आपको लग मिलती है जो कि एडजस्टेबल इसमें सस्पेंशन दिया हुआ है जो काफ़ी बढ़िया सस्पेंशन आपको रियर में मिल जाती है। रियर ब्रेकिंग की बात करें तो रियर में आपको जो ब्रेकिंग मिलती है 130 mm का ड्रम ब्रेक का सपोर्ट आपको रियर मिल जाती है। और जो टायर आपको मिली है 18/100 cc के आपको यहाँ पर ट्यूबलेस टायर मिलती है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर टायर फाइल मिल जाती है। और इसमें आपको जो ब्रेकिंग मिलती है CBS ब्रेकिंग आपको मिल जाती है। और गाइस यहाँ पे आप चेकआउट कर लीजिए इस बाइक का जो रियर लुक है कुछ ऐसा निकल जाती है। जो टेलाइट आपको मिलती है बल्ब वाले टेलाइट आपको मिलती है, होंडा की ब्रांडिंग मिलती है। और जो टेलाइट आपको मिलती है बल्ब वाले टेलाइट आपको यहाँ पर मिली है। और जो ग्रैब हैंडल्स मिलता है यहाँ पर ब्लैक कलर में आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाती है। सो गाइस यहाँ पे आप चेकआउट कर लीजिए इस बाइक का जो लेफ्ट साइड प्रोफाइल है कुछ ऐसा निकल जाती है। तो लेफ्ट साइड में भी आप देख लेंगे इसके फ्यूल टैंक पे तो आपके यहाँ पर होंडा की बैजिंग आपको मिलती है जो कि 3D में दिया गया है। इससे ग्राफिक्स मिल जाती है, क्रोम एलिमेंट दिया गया है, 125 की आपको ब्रांडिंग मिलती है जो कि रेड कलर में आपको मिल रही है। और यहाँ पर साइन की ब्रांडिंग मिलती है। अब आते हैं इसके फ्यूल टैंक की तरफ, तो गाइस यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें आपको जो फ्यूल टैंक लगी मिलती है 10.5 लीटर का आपको फ्यूल टैंक आपको लगी मिलती है। E20 की ब्रांडिंग मिली है। फ्यूल फिलर जो आपको मिला है कुछ इस टाइप का यहाँ पर फ्यूल फिलर दिया गया है जो कि आपको सिल्वर फिनिशिंग के साथ मिलती है। और हैंडल बार जो आपको मिलता है सिंपल हैंडल बार आपको इस में लगी मिलती है। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे जो कंट्रोल्स मिलता है इंटीग्रेटेड पासिंग लाइट का स्विच, हाइब्रोविन टचिंग हॉर्न का स्विच दिया गया है। और राइट साइड में आपको यहाँ पर इंटीग्रेटेड इंजन स्टार्ट का स्विच आपको मिल जाती है। अब बात किसके मीटर कंसोल के बारे में, तो इसमें आपको जो मीटर कंसोल मिल रही है होंडा साइन 125 में सिंपल एनालॉग मीटर आपको मिलते हैं किलोमीटर के लिए और फ्यूल इंडिकेशन के लिए। इसमें आपको कोई डीसी मीटर देखने को नहीं मिलता है 2024 मॉडल में भी, न तो इसमें आपको कोई USB चार्जिंग पोर्ट भी मिल रही है। तो होंडा के ये चीज़ें यहाँ पे अपडेट करनी चाहिए। अब बात करें इसके सेटिंग कंफर्ट के बारे में, तो बस इसमें आपको जो सीट मिलती है सिंगल सीट आपको लगी मिलती है। जो सीट हाइट आपको मिलती है 791 mm का आपको इसमें सीट हाइट मिलती है। तो राइडर और दोनों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल इसमें आपको सीट मिल जाती है होंडा साइन 125 में। अब बात करें इस बाइक के इंजन स्पेक के बारे में, तो गाइस इसमें आपको जो इंजन मिलती है 123.94 cc का सिंगल सिलेंडर BS6 फेज 2 FI आपको यहाँ पे इंजन मिल जाती है जो मैक्स पावर जनरेट करती है 10.59 bhp की पावर जनरेट करती है एट 7500 rpm आपको मैक्सिमम पावर मिल जाती है। मैक्स टॉर्क की अगर बात करें तो इसमें आपको जो मैक्स टॉर्क मिलती है 11 Nm की आपको टॉर्क मिलती है एट 6000 rpm आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलती है।
और इसमें आपको जो गियर बॉक्स मिले 5-speed गियर बॉक्स दिया गया साइड इससे इंजन के टाइप आपको फीचर्स मिल जाती है और साइड प्रोफाइल में 125 की ब्रांडिंग मिली है और जो चेन ड्राइव सिस्टम आपको मिलती है क्लोज चेन ड्राइव सिस्टम आपको यहाँ पर मिल जाती है और इस तरह से आपको यहाँ पर सारी गार्ड फाइबर गाड़ी का आपको लगी मिलती है। सो गाइस ये हो गया इस बाइक के फीचर और स्पेसिफिकेशंस की बात, चलिए बात करते हैं इसके डायमेंशंस के बारे में। तो इस बाइक का जो कॉर्बेट आपको मिलता है 130 kg का इसका कॉर्बेट दिया गया है। सीट हाइट आपको मिलती है 791 mm का इसमें सीट हाइट दिया गया है। ग्राउंड किस की बात करें तो इसमें आपको जो ग्राउंड किस मिलती है 162 mm का इसमें आपको ग्राउंड किस मिलती है। ओवरऑल लेंथ आपको मिलती है 2046 mm का ओवरऑल लेंथ दिया हुआ है। विड्थ की बात करें तो इसमें आपको जो विड्थ मिलती है 737 mm का इसमें आपको विड्थ मिल जाती है। व्हील बेस जो आपको मिलती है होंडा साइन 125 mm का इसमें आपको व्हील बेस मिल जाती है। अब बात की इसकी माइलेज के बारे में तो इसमें आपको जो माइलेज मिलेगी लगभग आपको 45-50 kmph की इसमें आपको माइलेज मिलेगी जो डेली कमिट पर्पज के लिए यह बाइक काफ़ी बेस्ट है, काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है 125 सेगमेंट में। अब बात की इसकी प्राइसिंग के बारे में तो इस बाइक का जो अनुरूप प्राइस पड़ेगा आपको वाराणसी में 97,000 से 99,000 के करीब यह बाइक अपग्रेड आपको मिल जाएगी। और भी प्राइस से रिलेटेड जानकारी आप होंडा शोरूम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इस बाइक का एग्जैक्ट प्राइस ले सकते हैं। सो गाइस यह रहा होंडा साइन 125 2024 मॉडल का डिटेल रिव्यू, जिसमें हमने आपको बता दिया कि इस बाइक में आपको क्या फीचर्स मिलता है, क्या स्पेसिफिकेशन है, कितनी इस बाइक की ऑनरोड प्राइस होने वाली है। सो गाइस कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी बाइक कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई बाइक के साथ किसी नए रिव्यू में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन मेरे को ऑन कर लें जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस कर सकें।